नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। रिद्धि सिद्धि आपके घर में भी राजे और आपको धन धान से परिपूर्ण करे। आज हम पहुंचे हैं, जैसा आप जानते हैं, मुंबई में आज गणेश चतुर्थी का पर्व सब जगह मनाया जा रहा है। आज हमारी टीम पहुंची है लाल बाग के राजा के पास। आज हम आपको पूरा दर्शन कराएंगे लाल बाग के राजा का, कि कैसे यहाँ पर आज आरती हो रही है और कैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ जो उमड़ी हुई है। आज पूरा दर्शन हम आपको लाइव अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे, तो बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 की टीम के साथ। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पास आज लाल बाग के राजा में काफ़ी भीड़ उमड़ा हुआ है। आज डे फर्स्ट है और जैसा कि इस बार का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट डे में किस प्रकार भीड़ है। जैसा कि देख रहे हैं कि लाल बाग के राजा के जैसा भीड़ उमड़ा हुआ है, आप यहाँ पर लाइव दर्शन कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जिस प्रकार आज का है यहाँ पर उत्सव, आप काफ़ी भीड़ देख रहे हैं यहाँ का। आज हम यहाँ के आम पब्लिक से भी जानेंगे कि यहाँ पास आज का उनके दर्शन का महत्व क्या है और यहाँ के कमेटीज मेंबर से भी जानेंगे। यहाँ पास आप जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ उमड़ा हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए VIP पास है। आज हम आपको पूरा चीज़ बताएंगे किस प्रकार यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं आप। नमस्कार, द पब्लिक न्यूज 24 में आपका स्वागत। हम बलसा से आए। कहाँ से आए आप? बलसा से। बलसा से आए? बलसा, गुजरात बलसा से, गाजिया गाँव से आए हम। अभी कोविड के बाद में लगभग 3 साल बाद में यहाँ पे लाल बाग के राजा के लाइव सब लोग आके साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा लगा। बहुत इंतजार कर रहे थे हम लोग कि इस साल आए और बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि 2 साल से हम बहुत इंतजार किया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। लाल बाग में काफ़ी हर साल करोड़ों हजारों लोग आते हैं यहाँ पे, लाखों की संख्या में लोग दर्शन करके जाते हैं। तो इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि लाल बाग के दर्शन जो मिले हैं अभी कोविड के बाद में, तो बहुत सुकून मिल रहा है मेरे को। बहुत सुकून, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैसा एक्सपीरियंस रहा मित्र तुझा? एक नंबर। म्हणजे लॉकडाऊन नंतर 2 वर्षांनी काय मागितलं तू देवाला? काय मागितलं तर नाही बाबा, दरवर्षी आताच। चल, तर ऐसे ही और भी हमारे लोग है, हम उनसे पूछेंगे की गणेश जी का एक्सपीरियंस रहा, कसं वाटतं तुला दर्शन करून? मस्त वाटते है। आपने जैसे कि अभी हमारे पीछे लाल बाग का दर्शन किया, आइए मैं आपको एक बार फिर से कराता हूँ और बताता हूँ कि कितनी भीड़ है यहाँ पे और कहाँ कहाँ से यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। आइए आप देख सकते हैं कि लाल बाग में दर्शन के बाद में दर्शन करते करते काफी लोग, हर कोई लाल बाग के राजा को अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहता है, बप्पा के दर्शन करना चाहता है। एक बार हम सब मिलके बोलेंगे गणपति बाप्पा मोरिया। एकदम मस्त वाटतंय, गणपती बाप्पा आले एकदम जल्लोष चालू आहे। 2 वर्षांनी आले, एकदम मस्त वाटतंय, आनंद महोत्सव, सगळीकडे आनंदमय वातावरण आहे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे गणपति बाप्पा के आपको हम लाइव दर्शन करा रहे हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार हम सब मिलके बोलेंगे गणपति बाप्पा मोरिया। बहुत ही बढ़िया दर्शन करने में, हर बार लगभग लॉकडाउन के बाद मैं एवरी टाइम मुझे यहाँ पे आते 10 साल हो गए हैं। सिर्फ 2 साल मुझे जो ये कोरोना काल था उसमें नहीं आ पाया, बाकी मैं बाप्पा के दर्शन करने हमेशा आता हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंगल मूर्ति मोरिया, बहुत अद्भुत दर्शन है, बहुत अद्भुत दर्शन है। आप देख सकते हैं गणपति बाप्पा के दर्शन करने के बाद में दुख में जो लोग रहते हैं, जितना भी प्रॉब्लम्स होता है सब भूल जाता है यहाँ पे आदमी आने के बाद में। इसलिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है गणपति बापा की और उनके शस्त्र देख सकते हैं आप, कितना प्यारा मुखड़ा लगाया हुआ है उनको, गणपति बापा को। आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है गणपति बापा को। हर कोई अपने परिवार वालों को कोई व्हाट्सअप कॉल लगा के गणपति बापा के दर्शन करा रहा है, या तो कोई फोटो भेज के ये कह रहा है कि देखिए मैंने गणपति बाबा के दर्शन किए। यही होता है गणपति बाबा और लाल बाग का जो राजा है, बहुत मान्यता है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए गणपति बाबा मोरिया। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि यहाँ के आज जानकारी लेंगे कि 2 साल के बाद जो कोरोना के बाद हमने मंडल जो रखा गया पूजा, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि इस बार डिफरेंस क्या लग रहा है सर? 2 साल तक अभी कोरोना महामारी चला था, उसके बाद इस बार का प्रबंधन में आपको कोई दिक्कत आई है? नहीं, दिक्कत आने का सवाल ही नहीं है। उल्टा क्या हो गया, 2 साल से हमारे जो भक्तगण है
उनकी और हमारे मुंबई के राजा का दर्शन नहीं हो गया था, तो वो उनकी भेंट लेने के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए इतने आतुर थे। तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम का बात ही नहीं है, उल्टी ये साल में क्राउड ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण आने की हमको अपेक्षा है, और वो हिसाब से हमने सब सुविधा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सब हमने व्यवस्था करके रखी है। तो जिस प्रकार देख रहे कि मुंबई में अभी दो दिन पहले खतरा भी आया था, और भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए आपकी क्या इस बार की है सर व्यवस्था? हमारे इधर हमारे आप देख रहे हैं हमारे सभासद सहकारी सभासद, इनकी बड़ी तैनात बड़े फौज में तैनात हम लोगों ने एनआरए हमारे वॉलेंटियर्स है। इन एडिशन टू दैट हमारे जो सिक्योरिटी कैमरा है मोर देन 60 सिक्योरिटी कैमरा है हम लोगों ने इन्हें इधर इंस्टॉल किए है। अब देख रहे हैं मेटल डिटेक्टर है, बाद में हमने इधर इमरजेंसी एग्जिट भी रखे है, इनकेस ऑफ एक्सीजन से कुछ होता है तो इमरजेंसी एग्जिट भी हम लोगों ने रखे है। फायर सपोज अगर फायर और कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो फायर एक्सटिंग्विशर का भी हम लोगों ने इधर ये किया है, और हम एक वी आर प्राउड टू से दैट फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन का लगातार 4 साल हमको बेस्ट मंडल का अवार्ड भी मिला था। तो सर इस बार का फर्स्ट डे आज का है सर पूजा का, इस प्रकार किस प्रकार देख रहे हैं भीड़ बढ़ते जाएगा? यस सर डेफिनेटली सुबह 6 बजे हमारा ओपनिंग हो गया, और आप देख रहे हैं कि आज तो छुट्टी है लोगों को, तो पहले दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ये भीड़ अभी 4 बजे के बाद बहुत बढ़ेगी, तो रात को 9-9:30 बजे तक पीक रहेगा। लेकिन ऐसा आप देखेंगे तो 24/7 तो भविक भक्तगण आते ही रहते। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए हम यही करेंगे कि अभी 2 साल के बाद कोरोना की महामारी जाके हमारे गणराय आए हैं, तो गणराय से यही हमारी हमारे मुंबई राजा से मुंबई के राजा से निवेदन है कि सब अपने भक्तगणों को सुख समृद्धि खुशहाली दे, और जो ये विश्व में और कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं सब जल्दी से जल्दी उसका निवारण करें। धन्यवाद सर हमारे चैनल बनने के साथ। तो दोस्तों जैसा कि देखना हमने कमेटी मेंबर से आपसे बात कराया, इस बार की व्यवस्था बहुत सिक्योरिटी के माध्यम से भी अच्छी रखी गई है, और आप आराम से आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। Shri Ganesh.